हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटीज। तो इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के 22 जुलाई फ्यूचर्स जो है करंटली यहाँ पर मार्केट में जिससे चल रहे हैं। वीकली ओवरव्यू एनालिसिस हमने यहाँ पर पहले से कर लिया है। आई होप कि यहाँ पर आपने वो वीडियो देखा होगा, बट यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं आज के सेशन के लिए, दैट इज 4th ऑफ जुलाई के सेशन के लिए इंट्राडे टारगेट्स क्या बन सकते हैं, क्या टाइम फ्रेम रखना है और टारगेट क्या हम यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सो लेट बिगिन। तो यहाँ पर अगर हम प्रीवियस सेशन देखते हैं, इस 1st ऑफ जुलाई का, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा जो है कंसोलिडेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। डाउन साइड का जो प्राइस लेवल जो ब्रेक होना चाहिए था वो अभी तक 443 का लेवल ब्रेक यहाँ पर हम होते हुए देखने को नहीं मिला है। सो फॉर अ टाइमिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एकदम से गिरावट जो है जो हम यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे थे वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। सो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के लिए सबसे इजी जो यहाँ पर हमें जो है सेटअप देखने को मिल रहा है वो ये कि बिलो द प्राइस ऑफ 443 अगर यहाँ पर कैंडल्स मूव करती है, स्टार्ट करती है, डेट इज ट्रेड करना स्टार्ट करती है बिलो दैट प्राइस लेवल, तो हम यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए रेडी रह सकते हैं। और उसके साथ साथ में लॉन्ग पोजीशन के लिए 470 का प्राइस लेवल के ऊपर अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोज होती है अबाउट दैट प्राइस लेवल तो हम यहाँ पर जो है लॉन्ग पुश बना सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग आई होप कि ये जो दो लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर कॉमोडिटी के अंदर ट्रेड करने के लिए। RSI अगर हम यहाँ पर देखें तो RSI भी जो है उसकी जो वीकनेस है स्लोली एंड स्टडली यहाँ पर हमें जो है ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आज के सेशन के लिए किस तरह प्राइस मोमेंटम देखने को मिलेगा। MACD ऑन द अदर साइड यहाँ पर हमें एट द एंड ऑफ द सेशन यहाँ पर सेल का ही सिग्नल दिया है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जाता है या नहीं और किस तरह से प्राइस रिएक्ट करता है। एस्टिमेट किया जाता है कि यहाँ पर गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन देखने को ना मिले, सो दैट कि टारगेट हमारे जो है स्टार्ट ऑफ द ट्रेड के अंदर ही ब्लॉक हो जाए। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इसलिए ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से मददगार रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।